नमस्कार दोस्तों, अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज करने की चाह है या आप जानना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया क्या है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने बनाया है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लगातार मेरे द्वारा दी गई कानूनी जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मैं बता दूँ, कोर्ट मैरिज करने वाले सबसे ज़्यादा वही लोग होते हैं जिनके घर वाले शादी के खिलाफ होते हैं, और यह भी स्वाभाविक होता है कि जैसे ही लड़की घर छोड़कर जाती है और शादी करती है, वैसे ही लड़की के घर वाले लड़के अथवा लड़के के घर वालों के विरुद्ध FIR भी दर्ज करवा देते हैं। उसके बाद यदि उचित तरीके से लड़का लड़की ने कोर्ट मैरिज नहीं की, तो लड़के को एक बहुत बड़े मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सही तरीके से कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए ज़रूरी होती है लड़की की आयु। लड़की की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल के समकक्ष होनी चाहिए। एक बात और आवश्यक बता दूं कि लड़की की आयु मौखिक 18 साल कहने से नहीं चलेगी, लड़की की आयु का प्रमाण पत्र होना नितांत आवश्यक होता है। लड़की या लड़के के आयु प्रमाणित करने के लिए सबसे अच्छा कागज़ जिसको भारतवर्ष की प्रत्येक अदालत मानती है, वह हाई स्कूल की मार्कशीट ही है। यदि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है या लड़की ने हाई स्कूल नहीं किया है, तो उसके प्रथम दाखिला में लिखाई गई जन्मतिथि को भी अदालत मान लेती है। यदि प्रथम दाखिला की आयु और हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तब ऐसे में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी आयु ही मानी जाएगी। यदि ये उपरोक्त सभी प्रपत्र नहीं है, तब मजबूरन लड़की का आयु के लिए मेडिकल कराया जाएगा। उसके पास दोनों के पास अपने अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो शादी की प्रक्रिया है उसके लिए कई कानून बने हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट और तमाम तरीके के विधि व्यवस्थाएं लागू की गई हैं जिनमें अलग अलग प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात को यह याद रखना है कि कोर्ट मैरिज तथा कोर्ट मैरिज के बाद लड़की अपने वक्तव्य पर डटी रहे और ये कहती रहे कि मैंने इसी लड़के से शादी की है और इसी लड़के के साथ रहूँगी। इस बात पर उसका डटा रहना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए प्रक्रिया जो पूरी होती है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा।